वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और फिट होंगे। सोचो, लास्ट क्लास में हमने डेथ का पूरा टॉपिक कवर कर लिया था और हमने लोन अकाउंट बनाना भी सीख लिया था। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर, विच इज़ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं एक ब्रेक के बाद। जी बच्चों, वेलकम बैक। अब देखिए, थोड़ा सा समझिए पहले कि डिसोल्यूशन क्या होता है ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप और फर्म में फर्क होता है। पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आता है, रेशो चेंज हो रही है, नया पार्टनर आ रहा है, पुराना पार्टनर जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, ये सभी केसेस में टर्म्स एंड कंडीशन जब भी पार्टनरशिप की चेंज होती है, नई पार्टनरशिप डीड बनती है, विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली। और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का मतलब होता है फर्म बंद हो गई, धंधा बंद हो गया, सारा हिसाब किताब कर दो, सबके पैसे दे दो, सारे एसेट्स बेच दो, अपना अपना हिसाब किताब करो, अपने अपने पैसे लो और अपने अपने घर जाओ, कहानी होगी ख़त्म। बात समझ में आ गई? तो जो पार्टनरशिप हमने शुरू करी थी फंडामेंटल से, देन चेंज इन रेशो, गुडविल भी निकालनी सीखी, देन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अब हम क्या सीखने जा रहे हैं, कहानी ख़त्म, धंधा बंद। अब ये होता कैसे है, सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे फिर प्रैक्टिकल्स में आएंगे। आइए, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व कैसे होती है फर्म, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपकी बुक में लिखी हुई है थ्योरी, अगर पढ़ोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, मैं शॉर्ट में समझा ही रहा हूँ सारी की सारी। ये थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, अगर आप पहले दो पेज की थ्योरी पढ़ लोगे तो, नहीं पढ़ोगे तो सब मैं समझाने जा रहा हूँ। डिसोल्यूशन कहाँ लिखा हुआ है, देखिए हर चीज़ का हमारे देश में लॉ बना होता है। पार्टनरशिप का भी एक्ट बना हुआ है, कौन सा एक्ट है किसी को याद है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ ऐसे ही था, नहीं ऐसे ही है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके सेक्शन 39 में लिखा हुआ है कि डिसोल्यूशन क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 39 में। तो डिसोल्यूशन किससे चलता है? सेक्शन 39 से चलता है ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, खुद लिख लेना, मैं 1932 लिख रहा हूँ खाली, ठीक है। चलिए, अब इसमें मोड्स दे रखे हैं कुछ कि डिसॉल्व फर्म कब होती है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर सारे पार्टनर ये कह दें कि हाँ चलो यार धंधा बंद करो, मन नहीं है काम करने, धंधा बंद हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। कंपल्सरी डिसोल्यूशन भी हो जाता है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है, यानी कि फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, कब करेंगे? व्हेन ऑल और ऑल एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, इंसॉल्वेंट मींस बैंकरप्ट, दिवालिया हिंदी में, ओके, या किसी एक को छोड़ के बाकी सारे दिवालिया हो जाए, यानी कि तीन पार्टनर थे, दो इंसॉल्वेंट हो गए हैं, एक बचा है। अब वो एक अगर चलाएगा भी फर्म को तो वो पार्टनरशिप नहीं होती, वो क्या बन जाती है, प्रोप्राइटरशिप चल जाती है अगर वो छोड़ जाए तो इसलिए क्या होती है, फर्म तो डिसॉल्व होगी होगी। दूसरा यहां लिखा हुआ है बिजनेस बिकम अनलॉफुल, यानी आप कुछ काम ऐसा कर रहे हो कि वो अनलॉफुल हो गया। कभी कभी देखिए आप लोग उसको अनलॉफुल खुद नहीं बनाते, वो बन जाता है। एक एग्जांपल दे देता हूं छोटा सा, मान लो कि आप चाइना से काम कर रहे थे, चाइना से लड़ाई हो गई इंडिया की, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया, आपका बिजनेस क्या हो गया, इलीगल हो गया। अब आप करोगे तो पाकिस्तान से करते हो, लड़ाई हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि पाकिस्तान से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बाय नोटिस, अगर पार्टनरशिप कौन सी वाली है, पार्टनरशिप एट विल कौन सी होती है, जिसमें जब तक पार्टनर चाहेंगे फर्म चलेगी, जहां नहीं चाहेंगे नहीं चलेगी। इवन वन पार्टनर अगर वो नोटिस लिख देगा तो फर्म बंद हो जाएगी। तो पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, नोटिस देना होता है, पार्टनर नोटिस देगा बोलेगा बंद कर दो, फर्म हो जाएगी बंद। कहां लिखा है? सेक्शन 43 में लिखा है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ये कौन सा इवेंट है, किसी भी इवेंट के होने पर फर्म डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? ये इवेंट तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिखे होने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होगा तो भी हम कर देंगे, यानी कि ये प्री डिफाइंड होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है, कि तुमने एग्रीमेंट कर रखा है। कहां होने चाहिए? ये पार्टनरशिप डीड में होने चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां, ठीक है, उसमें होने जरूरी है। कौन सा? एक्सपायरी ऑफ टर्म। मान लो हमने पार्टनरशिप ही शुरू करी थी 2 साल के लिए, भाई 2 साल चलाएंगे फिर देखेंगे, अब 2 साल हो गए, कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ वेंचर, अगर मान लो पार्टनरशिप करी गई है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए, इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट वेंचर।
कॉलेज में जाओगे इसका चैप्टर भी आएगा, अलग से पूरा टॉपिक आएगा जॉइंट वेंचर के ऊपर। ओके, जॉइंट वेंचर होता है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। मान लो कोई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, दो लोगों ने मिलकर ले लिया था, बिल्डिंग बन गई, तैयार हो गई, कहानी खत्म, पार्टनरशिप भी खत्म। ओके, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ के केस में भी जो है डिसॉल्व हो जाती है। और फिर एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, अगर कोर्ट ने किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट करार दे दिया है। एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है, रूल आ गया उसके खिलाफ, एक कोर्ट की सुनवाई आ गई, यानी कोर्ट ने बोल दिया कि भाई, फैसला दे दिया कोर्ट ने कि ये अब इंसॉल्वेंट हो गया है, तो जो है फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और कैसे होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थ्योरी में सिर्फ यही आ जाता है क्वेश्चन कि किस केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर देता है फर्म का डिसोल्यूशन। ओके, पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई भी पार्टनर, कोई भी एक भी अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया, यानी उसका दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डिस्टर्ब हो गया है, पागल हो गया है, किसी भी वजह से हो सकता है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। परमानेंटली इनकेपेबल, अगर कोई भी एक पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, काम नहीं कर सकता, अंधा हो गया, ओके, ऐसे केसेस में भी फर्म जो है बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, यानी कि आप लोग जो काम कर रहे हो, कोर्ट को लगता है कि जो आप काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, और गिल्टी यानी कि साबित हो जाए वो कि तुमने जानबूझ के गलती करी है, ओके, तुमने कोई कानून तोड़ा है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर आपने पार्टनरशिप डीड में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए आप उसे तोड़े जा रहे हो, बार 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 अपने रूल्स को तोड़े जा रहे हो, तो भी जो है पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कोर्ट फाइंड्स इट जस्टिफाइड, कोर्ट को लगता है भाई इस फर्म में इतने झगड़े, इतने लफड़े हैं, इसका बंद हो जाना ही अच्छा। देखो कोर्ट को कब लगेगा, कोर्ट को सपने तो नहीं आएंगे कि कोई भी पार्टनरशिप जो है इस खराब से चल रही है, चलो ऑर्डर दे दे। कोर्ट को जब पता चलता है, जब कोई भी एक पार्टनर या कोई आउटसाइडर जो तुम्हारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, कौन होगा बेसिकली, क्रेडिटर, जिसने पैसे देने हैं, वो तो कभी कोर्ट में जाएगा नहीं कि भाई मैंने इनके पैसे देने हैं पर इनकी फर्म बंद कर दो। वो कोर्ट क्या कहेगी, भाई पहले तो इनके पैसे दे। प्रॉब्लम किसको होती है, जिसने तुमसे पैसे, तो या तो कोई क्रेडिटर जाता है या कोई पार्टनर ही जाता है आपस में। तो जब कोर्ट में जाता है और कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई इस फर्म का बंद हो जाना ही ठीक है, कोर्ट जो उसको बंद कर देता है। बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन लॉस ओनली, यानी कि फर्म का काम ऐसा हो गया कि करेंगे तो भाई नुकसान ही होगा, वरना नुकसान, प्रॉफिट नहीं आ सकता इस फर्म में। तो जब प्रॉफिट आ ही नहीं सकता तो भाई क्यों चला रहे हो, नुकसान होता जाएगा, एक दिन बर्बाद होते जाओगे, इससे बढ़िया इसको बंद कर दो। कई बार होता है ना अभी बिजनेस ऐसा होता है कि अभी चलाओगे तो अब नुकसान ही होगा, तो फिर वो कंपनीज जो है बंद हो जाती है। बात समझ में आ गई। तो ये तो थे मोड्स कि पार्टनरशिप कब कब डिसॉल्व होती है। अब जब डिसॉल्व होती है तो क्या करना होता है, अकाउंट्स को सेटल करना है। मैंने क्या बताया, अकाउंट्स को सेटल करना है, सबके पैसे देने हैं, सारे सामान बेचना है, अपना हिसाब किताब करना और घर जाना है। कहाँ लिखा है ये लिखा है सेक्शन 48 में। क्या लिखा हुआ है सेक्शन 48 में, अकाउंट्स को कैसे सेटल करना है। अब सबसे पहले सेक्शन 48A, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। सबसे पहले जो लॉस है वो खत्म करो बिजनेस से। कैसे खत्म होंगे, या तो तुम्हारे पास कोई प्रॉफिट है उससे खत्म करो, अगर प्रॉफिट नहीं है तो पार्टनर की कैपिटल से खत्म करो, उनकी कैपिटल के अगेंस्ट लॉस को सेटल कर दो और उनकी कैपिटल को कम कर दो, जैसे कि हम करते ना। अगर एसेट साइड में पीएनएल दिया होता तो कहां लिखते हैं उसको उठा के, एडमिशन रिटायरमेंट के केस में लिख देते ना डेबिट साइड में उठा के, वो क्या कर दिया हमने, उनकी कैपिटल में से लॉस काट दिया। ओके, अगर कोई प्रॉफिट है, कोई जर्नलिज्म है तो वहां से करो, नहीं तो उनकी कैपिटल से कर दो। अगर कैपिटल में भी पैसा नहीं है तो भैया पार्टनर अपना घर बेच के लेके आएगा, अपने पर्सनल एसेट्स को बेचेगा, अपनी पर्सनल लायबिलिटीज को पे करेगा पहले। ये भी लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ, सेक्शन 49 में, अभी पढ़ा रहा हूं ये भी। तो अपने घर को बेचेगा, अपने घर को बेच के अगर उसके ऊपर कोई कर्जा है, फॉर एग्जांपल उसने लोन पे घर ले रखा था, 1 करोड़ का घर बिका है, 50 लाख का भी लोन है बैंक का, तो पहले 50 लाख का बैंक का लोन पे करेगा, फिर वो जो पैसे बचेंगे वो यहां लेके आएगा अपनी फर्म की लायबिलिटीज को पे करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। बात समझ में आई, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती क्या है। और इसीलिए पार्टनरशिप की कौन सी वाली फॉर्म सबसे ज्यादा चलती है, LLP। LLP क्या होता है, पढ़ा होगा BST में, शाबाश, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नहीं पढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नहीं था 11th क्लास में कोई, तो फिर उसमें LLP कैसे नहीं आया, आया होगा, पहले कह रहा हूँ आया होगा, LLP एक्ट 2008, मान ही नहीं सकता, सारे मान है। चलिए, तो पार्टनर्स जो है अपनी
प्राइवेट प्रॉपर्टी से लाके लॉसेस को पूरा करेंगे। उसके बाद 48B में क्या लिखा है, 48B में लिखा है बच्चों कि एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। अब पहले तो हमने लॉसेस पूरे कर दिए या तो प्रॉफिट से या कैपिटल से, अब हमारे पास एसेट्स भी तो है, सारे एसेट्स को बेच दो, बेच दिए। अब बेच के करेंगे क्या, उसका पैसे लेके अपने घर नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटसाइडर्स को पैसे देंगे, यानी कि जो भी हमारे फर्म के क्रेडिटर्स हैं, लोन ले रखा है, उधार सामान ले रखा है, फर्नीचर के हो गए, स्टॉक के हो गए, किसी भी चीज के क्रेडिटर्स हो गए। उसके बाद पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को, लोन्स एंड एडवांसेस, जिस पे हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा तो उस पे कितना इंटरेस्ट देते हैं, वही वाले लोन्स जो होते हैं, तो वो वाले लोन की पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पैसे बच गए तो जो बिजनेस में पार्टनर्स ने पैसा लगाया था, यानी कि कैपिटल की पेमेंट करेंगे। अगर खुदा ना खास्ता उसके बाद भी पैसे बच गए तो फिर वो अपनी रेशो में बांट लेंगे, किसमें बांट लेंगे, बात समझ में आ गई, गुड। अब आ जाओ पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट, अभी आ गया वो बात जो मैं आपको बता रहा था, सेक्शन 49। सेक्शन 49 में क्या लिखा होता है, सेक्शन 49 में लिखा हुआ है कि पहले तो फर्म के डेट क्या होते हैं और फर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है और प्राइवेट डेट क्या होते हैं। फर्म के डेट यानी जो फर्म के अपने डेट हैं, जो फर्म के नाम से आपने लोन ले रखा है, उधार ले रखा है, ये सारी चीज़ें। पर्सनल डेट ऑफ पार्टनर्स क्या होता है, जो उन्होंने पर्सनल ले रखा, जैसे अपने घर लोन पे ले रखा है, अपनी गाड़ी लोन पे ले रखी है, या अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनल लोन बैंक से ले रखा है जिसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म की लायबिलिटीज की पेमेंट करनी होती है, सारे एसेट्स को बेच के हम कर देते हैं। तो फर्म की प्रॉपर्टी सबसे पहले कहां एप्लीकेबल होगी, फर्म के डेट चुकाने में, यानी कि फर्म के सारे एसेट्स बेच दो, उसमें से फर्म के सारे डेट्स को पे कर दो, बच जाएगा तो ये लेके जाएंगे, नहीं बचेगा तो फिर इनके पर्सनल डेट भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो क्या होगा, पार्टनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकेगी, उसके सारे डेट्स जो है पर्सनल, उनकी पेमेंट होगी, अगर वहां से कुछ बच गया तो उठा के वो कहां लगा देंगे, फर्म के डेट की पेमेंट में अप्लाई हो जाएंगे। कहां लिखा है ये, सेक्शन 49 में लिखा है, समझ में आया। इसके अलावा जो इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है वो बनता है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और इतने सारे पॉइंट्स भी बता चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक जो है आपको ये सारा समझ आ गया होगा, ठीक है, इसको कर लो कॉपी, मिलते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। हाँ जी बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ, और नेक्स्ट क्लास से हम सारी जर्नल एंट्रीज और सारे क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, इसमें सिर्फ समझेंगे, आज ये थ्योरी की क्लास है। अकाउंट्स बनते हैं कि रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और पार्टनर्स लोन अकाउंट, चार अकाउंट बनते हैं। अभी इसको समझिए होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम सारे एसेट्स को रियलाइज करते हैं और सारी लायबिलिटीज को पे करते हैं, और उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है, इसमें प्रॉफिट लॉस आएगा याद रखना, वो प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स में बटेगा उनकी रेशो में। एक और अच्छी बात है, न्यूज़ अच्छी आपके लिए, कि इसमें कोई न्यू रेशो, ओल्ड रेशो, सैक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो नहीं होती, एक ही रेशो होती है, बस उसी रेशो पे करना है जो करना है, ठीक है। तो रेशो की कोई कैलकुलेशन इस चैप्टर में नहीं होती, ओके। तो सारे एसेट्स और सारी आउटसाइड लायबिलिटीज याद रखना क्या आते हैं, इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या क्या ट्रांसफर हो जाता है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, क्या क्या नहीं आएगा ये वो बता रहा हूं, कैश का बैलेंस नहीं आएगा, बैंक का बैलेंस नहीं आएगा, ओके। पार्टनर का कोई लोन है, यानी कि पार्टनर को लोन दे रखा है फर्म ने, एसेट साइड में तो कौन सा लोन होगा, फर्म को दे रखा है या फर्म ने दे रखा है, फर्म ने दे रखा है, फर्म ने दे रखा है पार्टनर को, ओके, हमने लेना है पार्टनर से। तो पार्टनर का लोन चाहे एसेट साइड में हो चाहे लायबिलिटी साइड में हो, वो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आता, उसकी डायरेक्ट पेमेंट होती है, ओके, क्योंकि ये आउटसाइडर नहीं है, पार्टनर आउटसाइडर नहीं होता इसलिए, ओके। कैश बैंक हो गया, पार्टनर का लोन हो गया, और तुम्हारा वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, वो भी नहीं आता, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज गुडविल आती है। नॉर्मली एसेट साइड की गुडविल का ट्रीटमेंट क्या सीखा अभी तक आप सबने, कि राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स में ले जाके, वो नहीं करना। यहाँ पे गुडविल कहाँ जाएगी, एसेट साइड में चली जाएगी, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ बचता नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लिखा हुआ है तो, अगर इन सब को छोड़ के बाकी जितने भी एसेट्स होते हैं
टेंजिबल इनटेंजिबल सारे उठा के कहाँ ट्रांसफर कर देने हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड में। ठीक है, सिंपल एंट्री बता देता हूँ, जनरल एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री एसेट्स। ठीक है, ओके, ये तो था डेबिट साइड का खेल। आप आ जाओ सारी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज कौन सी आती है, आउटसाइड लायबिलिटीज आती है, याद रखना। आउटसाइड लायबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन, ओके, कोई भी बाहर वाले का लोन है बेटा, हाँ वो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, आउटसाइडर के हो जाएं सारे के सारे लोन। अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है, बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पाउस, ठीक है, उसके हस्बैंड या वाइफ, अगर फीमेल पार्टनर तो उसका हस्बैंड और मेल पार्टनर तो उसकी वाइफ, तो वो आउटसाइडर है। ऐसा नहीं है पार्टनर की वाइफ है तो घर की खेती है, नहीं, पार्टनर की वाइफ भी आउटसाइडर है। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी पार्टनर जब फर्म को लोन देता है तो अपनी बीवी के नाम से दिलवाता है कि अगर डिसॉल्व होगी तो सबसे पहले मेरे पैसे आ जाएंगे। समझ में आया? तो पार्टनर के स्पाउस का जो भी लोन होता है, ठीक है, वो लोन। तो इस टाइप के सारे लोन, क्या क्या नहीं आता, जो नहीं आता वो बता रहा हूं, जो नहीं आता, जनरल रिजर्व्स नहीं आते, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा अगर इन्वेस्टमेंट एसेट में दी है तो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो नहीं आएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा सिर्फ उतना जितना क्लेम है, पहले पढ़ना पड़ेगा नीचे कि क्लेम कितना दिया हुआ है, अगर क्लेम नहीं है तो सारा पार्टनर्स में चला जाएगा, अगर क्लेम है तो क्लेम तक का ही आएगा, बाकी पार्टनर्स में चला जाएगा, अगर क्लेम ज्यादा है तो सारा का सारा आ जाएगा रियलाइजेशन में। एग्जाम्पल से दोबारा समझाऊंगा, फिलहाल याद रख लेना, ओके। तो जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इफ नो इन्वेस्टमेंट, ओके, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अबव क्लेम, क्लेम से ऊपर अगर हमारे पास है तो वो हिस्सा नहीं आएगा, बाकी सारा का सारा हिस्सा इसमें चला जाएगा। ठीक, क्या एंट्री बनेगी, लायबिलिटीज एंड ये रिजर्व्स, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी आएगा। डेटर्स कहाँ जाएंगे, एसेट में, अगर मान लो डेटर्स और प्रोविजन दो चीजें लिखी है तो नेट डेटर्स नहीं लिखने हैं आपको, पूरे के पूरे डेटर्स डेबिट साइड में लिखने हैं, और रिजर्व कहाँ लिखना है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डीडी, तो ये यहाँ लिखना है। तो ये सारी चीजें क्या, डेबिट टू रियलाइजेशन। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है जिसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल, ये सारे रिजर्व्स वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर देते हैं जो भी आखिरी में आता है, ओके, ये सब दोबारा लिखवाऊंगा सारी एंट्रीज, ओके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझ लो, सिंपल सिंपल सा लिख लो ये। और उसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया कि चलो ये चीज मैं खरीद लेता हूं, उसकी ट्रीटमेंट होती है, अगर किसी पार्टनर ने कोई लायबिलिटी की पेमेंट दे दी कि चलो क्रेडिटर्स को पैसे मैं दे दूंगा, उसकी ट्रीटमेंट होती है, उसके बाद उनका फाइनल बैलेंस निकलता है जो कि कैश अकाउंट में जाता है, कैश अकाउंट में जितना भी कैश आया, जितना भी कैश गया, सारा मिला के आखिरी में ये मैच होना चाहिए। लोन अकाउंट कभी कभी बनाना पड़ता है जब पार्टनर डिस्काउंट दे देता है फर्म को कि चलो मुझे कम पैसे दे दो, अदरवाइज सीधा सीधा कैश अकाउंट में एंट्री हो जाती है पार्टनर के लोन की, ओके। तो इस तरीके से ये अकाउंट्स बनते हैं जो कि हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पहले सारी जनरल एंट्रीज लिखेंगे, जनरल एंट्रीज लिखने के बाद हम सारे प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, अगर समझ आई है, अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल्स के साथ, टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर